गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग इतिहास में एक बार फिर से नई सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं उसमें सबसे पहले अभी तक जो आपने देखा उस पर थोड़ा नजर डालते हैं हसीन माशुका के साथ। हसीन माशुका के साथ मगध पर जो साम्राज्य आया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश और सातवाहन वंश। आप जानते हैं कि जब मौर्य वंश की समाप्ति हुआ तो इसी बीच में विदेशी आक्रमण शुरू हुआ जिसमें ISPK का बड़ा नाम आता है, हिंद, यूनानी, शक, पलक और कुषाण। लेकिन कुषाण जो था वह क्या करता था, अपना एक सामंत बैठाता था। क्या बैठाता था बुआ? सामंत। और उसी सामंत में कौन था शामिल? गुप्त। यानी गुप्त वंश के जो शासक थे वह क्या कहलाते थे? पूछेगा कि जो थे कुषाण वंश के सामंत कौन वंश था बउआ? तो और आपने पिछले क्लास में देखा कि गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? श्री गुप्त। ये भी एक सामंत थे चूंकि इसका स्वतंत्र राज नहीं था। और इसके बाद श्री गुप्त के बाद इसका राजा कौन आ गया? घटोत्कच। कौन आ गया बउआ? ये भी जो था सामंत ही थे। और उसके बाद जो राजा आते हैं जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया बउआ? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था राजा रानी का सिक्का चलाया। क्वेश्चन पूछता है राजा रानी का सिक्का कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। उसके बाद एक राजा आया, सबसे महान राजा, योग राजा, जिसका नाम क्या था बाबू? समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और लिच्छवी दौहित्र के नाम से कौन जाना जाता है? लिच्छवी दौहित्र के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्र गुप्त। लिच्छवी माने उसकी माँ जो थी जिसका नाम क्या था, आप लोगों को पता होगा, कुमार देवी। वो कहाँ के रहने वाली थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। चूंकि इसका ननियाल जो था कहाँ था? लिच्छवी। इसीलिए समुद्र गुप्त को कौन नाम से जाना गया? लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है ननिहाल। लिच्छवी का ननिहाल नाम। भारत का समुद्र गुप्त किसे कहा जाता है? भारत का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का कबीराज किस सॉरी कबीराज के नाम से कौन जाना जाता है? सैनिक के वेशभूषा वाला सिक्का कौन चलाया? सैनिक के वेशभूषा वाला सिक्का कौन चलाया? कौन सी शैली का सिक्का सबसे प्रचलित था? मयूर सर। उसमें कौन चीज का फोटो था? मोर का फोटो था, मोर का। कौन सा वाद्य यंत्र वह बजाता था या पसंद करता था? बीना। कैसे पता चला? उसके सिक्के पर बीना बजाते उसको दिखाया गया था। स्व संगीत का बड़ा प्रेमी था। और कौन बजा बजाता था? और इसको धरनी बंध कहा गया। धरनी बंध के नाम से कौन जाना गया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात और बताइए कि समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है जिसमें उसे बताया गया है उत्तर के 9 राज और दक्षिण के 12 राज्यों का विजेता बताया गया है? कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, किसने लिखा था? हरिसेन किसके दरबार में रहता था? भारत का नेपोलियन कौन था? और समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम क्या था बाबू? रामगुप्त। रामगुप्त ने किससे शादी किया? क्या उसके साथ रहा? नहीं। किसको फंसा लिया? देवी को, चंद्रगुप्त द्वितीय को फंसा लिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा योग शासक था। रामगुप्त जो था क्या था? भकलोल था। दोनों ने साजिश किया, रामगुप्त को क्या कर दिया? काम तमाम कर दिया। और चंद्रगुप्त सोचा कि अगर हम ऐसी ही छोड़ दे तब तो बात बिगड़ जाएगा, सब जानेगा कि देवी फंसा ली थी या देवी राज की। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि उसको मारने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने शको का अंत कर दिया। किसको अंत कर दिया? और उसी के उपलक्ष में कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। अच्छा इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो उपाधि लिया था, कौन उपाधि लिया था? वह विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। कौन उपाधि लिया था? अच्छा कौन सा सिक्का ये चलाया था? आपको पता चंद्रगुप्त द्वितीय चौ से चंद्रगुप्त द्वितीय या चौ से चांदी? चांदी का सिक्का ही चला दिया।
न्याय के लिए दू गो राजा जाना जाता है। कौन कौन राजा है जो न्याय के लिए? एगो था चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा था जहांगीर। जहांगीर न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। जंजीर में क्या था? बाहर एगो घंटी लटकल रहता था, घंटी टुंड सिन मारो राजा के खबर जाता था, बुलाता था, हमार बकरी चोरा ले हो, तो फैसला होता था, ऐसे ना होता था। और ये जो था ये बहुत ही बेहतरीन राजा था, अपने राज सिंहासन को, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, अपने राज सिंहासन को छोड़कर पत्थर पर ना के चबूतरा पर बैठ के क्या करता था? न्याय करता था। तो न्याय के लिए सबसे ज्यादा जो प्रचलित था कौन था? न्याय के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। अच्छा, संस्कृत के सब विद्वान विद्वान कवि किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सबसे महान कवि कौन था? कालिदास ने कौन सी रचना किया? बहुत सारा रचना किया, मेघदूतम किया ना, मालकी विघाग्नि मित्र किया, मान सब प्रेम कहानी सब लगा दिया नहीं। अच्छा, और दूसरा जो एक था उसका नाम था धन्वंतरी। क्या नाम था? और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, उसका नाम बता सकते? फाहियान आया था। कौन आया था बउआ? और ये सब दिन रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया? कौन आया इसके बाद? कुमार गुप्त आया। कौन आया बउआ? कुमार गुप्त आया, तो बहुत निम्न काम किया। क्या कर दिया? ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, बिहार के नालंदा में कौन विश्वविद्यालय का स्थापना किया? जिसमें कौन धर्म का शिक्षा दिया जाता था? बौद्ध धर्म का। उसमें हॉस्टल फैसिलिटी था कि नहीं था? दुनिया का सबसे पहला हॉस्टल फैसिलिटी वाला विश्वविद्यालय कौन था? दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में, जिसको राजा तक्ष ने बनवाया था, पता है सबको। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया कुमार गुप्त ने, लेकिन ई बतवा अंग्रेज को शोभा नहीं दिया। कहा कि सब तो बड़ा निम्न, सब तो पढ़ लिखा पंडुक हो जाएगा, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा बौद्ध धर्म वाला बात करता है, एकरा ना एक वैद्य रखता है, कैसरो रोग के इलाज करवा लेते, हम एकरा खार दे ले। कौन? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जाना ना बूझा, लगा दिया आग, 6 महीना ला जलते रह गया। इतना किताब था कि 6 महीने ला क्या हो गया? जलते रहा। लेकिन आप किसी के भी साहित्य को मिटा सकते हैं, जला दे सकते हैं, लेकिन क्या मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। लेकिन आप इसके बाद कुमार गुप्त के बाद एक आया स्कंद गुप्त। कौन आया? स्कंद गुप्त। जब आया तो स्कंद गुप्त जो है बहुत बड़का बड़का काम तो न किया, लेकिन एगो काम बड़ा अच्छा किया, महान शासक था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा दिया। पूछेगा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण समझते हो? फिर से तो आप सुदर्शन झील बनवाया कौन था हो? याद आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। इसका कौन सा अभिलेख है? देखिये स्कंद गुप्त का एक अभिलेख है रुद्रदामन। कौन सा है? रुद्रदामन अभिलेख, ठीक है। हुंडों का आक्रमण से स्कंद गुप्त ने खुद को अपने से बचा लिया था। हुंड जो था ना बड़ा अताई सब था, आता था लूट फाट लेता था, धर्म का प्रचार उचार करके भाग जाता था। तो हुंड, इसको हुंडो का आक्रमण इसको झेलना नहीं पड़ा, ठीक है। तो पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया? तो कौन पूछेगा इसका पुनर्निर्माण कौन किया? इसका जो है पुनर्निर्माण जो किया था वो स्कंद गुप्त ने किया। कौन किया? ठीक है, स्कंद गुप्त ने इसका क्या कर दिया? पुनर्निर्माण कर दिया। ओके, देखिए हुंडो के आक्रमण को असफल करने वाला कौन था? ये कौन था? वह समुद्र गुप्त, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? उसके बाद गुप्त वंश छोटा छोटा वंश में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भानु गुप्त जो था उससे ने एक अभिलेख लिखा था, उसका नाम था एरन अभिलेख। याद रखिएगा, भानु गुप्त जो एक अभिलेख लिखा है उसका नाम क्या है? तो सुनिएगा, स्कंद गुप्त के बाद अभी कौन आ रहा है? अंतिम शासक अभी नहीं आया है, भानुगुप्त। कौन गुप्त है? ये कौन अभिलेख लिखा है? एरन। एरन अभिलेख में किसका वर्णन किया गया? सती प्रथा। सती प्रथा क्या था? जब किसी की पत्नी मर जाती, किसी का पति मर जाता था, तब पत्नी को शराब चाहे नशे वाली चीज पिला खिला के, फल का जूस उस पिला के, और पति के साथ ही क्या कर देता था? बनल हवासा पिला, मर गया। अब पति मरता था, पत्नी मरती थी,
तब पति हम तो रहते ना तो नियम बनत एकरा पीछे तर्क क्या देता सुनो देता था कि औरत जो होती लड़की जो होती उसका जन्म होता है पति का सेवा करने के लिए आ जब पति मर गया तो सेवा केकरा करते ओकरा तो सेवा करला जाए के होते ना तो चल गए तो हमहू कानून बनाते कि ठीक है आ जो दिन पत्नी मरेगा ना तो पत्नी तो सेवा करला बना है तो ओकरा तो सेवा करला जगह चाहिए ना तो पतियों को पियावा के जराओ अकेले कथी रह गई तब नहीं भकलोल उस समय के औरतों से भकलोल रहे पता नहीं कहते ही रह कि जब हम सेवा करे वहाँ जा सकले तो हमरो सेवा करे तो वहाँ कई ठीक है हाँ। तो सुनो तो भानुगुप्त के कौन अभिलेख से एरन अभिलेख से कौन चीज का जानकारी मिलता है कौन चीज का सती प्रथा। सती प्रथा क्या था पता चल गया आप लोग सती प्रथा। अब सुनिएगा सती प्रथा को ये तो खराब चीज था सती प्रथा निमन चीज था लेकिन इसको भारत के एक बेहतरीन व्यक्ति हुए जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसको क्या कर दिया सती प्रथा को कहा कि सब ठीक नहीं है अन्याय है ये मानवता नहीं है किसी को जान लेना ये पाप है इसको फांसी की सजा होने हम तो लटकवा देते एक केदा जताए सबको फांसी चढ़ा दो तब देखते हैं कौन कौन पुरुष अथी होता है न लटका दो सीधा ऐसा में फैसले नहीं होना चाहिए डायरेक्ट फांसी का सजा नहीं जब भी कोई किसी का मर्डर चाहे कुछ करता है ना कोई फैसला चाहे लड़कियों के साथ गलत करता है कोई फैसला डायरेक्ट रोड पर लेकर उसको खच से उड़ा दो बात खत्म है उसको तरपा तरपा के लेकिन मर्जी से करेगा तो ना मारिएगा मर्जी से करेगा तो ना मारिएगा ठीक है बिना मर्जी के करेगा तब मर्जी रहेगा तो लेकर मंदिर में अति करवा दो विद व्यवहार करवा दो तो राजा पूछेगा कि बताई सती प्रथा कौन किसने की किया राजा केकरा सहायता से किया था विलियम बेंटिक के सहायता से कौन था क्योंकि राज किसका था अंग्रेजों का ना विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था ठीक है उसके साथ मिलकर सती के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा जंग चला तोरा लगे छू कि केदा में आदमी सब मान जाते भगलोलवा सब पिए खाए वाला आ जरा पढ़ाई लिखाई के नसीब न मान जाते वो तो ऐसने तो बनल है ऐसा करे के ना है तो मान जाएगा लेकिन विलियम बेंटिक अंग्रेज था अंग्रेज के बात तो भाई सुनेगा राजा राम मोहन चलाक था पढ़ा लिखल था लगा दे एक साथ मिल गया कहा कि हो के रहेगा जंग चाहे हम ही भाई न तो तू ही भाई ना और दोनों मिला खूब तो हल्का मचाए कोई मानता है अभी अपना गांव में हम कह दिए ना कि अब काली जी का खांसी नहीं चढ़ेगा अभी कहते करते हल्ला करते कि ना कर हल्ला कर दो तीन को हमें काट दिए तब कोई आता है आता है कोई कोई ना तो डर वैसी ही विलियम बेंटिक का ये दोनों जंग चला मार दो चार काट दे अब बुरवा कहा के ये निमन चीज है तू मरवे तोरो पत्नी मरते तू जाबी कहला कि ना अच्छा अब महाराज हम न ऐसा बात न चलो समाज में एक प्रथा क्या हो गया एक दिन में खत्म हुआ बहुत संघर्ष कह देना मुझसे अच्छा लगता है ना बतवा समझ लें तो बात अब बाल विवाह भी बाल विवाह कौन विवाह बाल विवाह पहले बच्चे में शादी कर दे साते साल के लड़की के शादी कर दे ना छह जन्मे के समय शादी कर दे ना समझे तो ये इतने ना उतरे जैसे बुढ़वा के कह दे सात साल के लड़की से बिया बनलहबा से काट दे तरह धोखा ना अभियो बहुत सारा ऐसे माता पिता है जो पैसा के लिए 50 साल के बुढ़वा के जोड़े बियाह कर देता है अपना 12 साल के लड़की के ना ओकरा तो वही बुढ़वा के तो मम्मी पापा के कौन मतलब रहे छै से कह दे पैसा लोभ ही पैसा के पैसा थोड़ी मिल जाते कोना के पैसा दे छै तो ये बाल विवाह ये भी गंदी है क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलिए अब सुनो बच्चा लोग अब सुनिए ये भानुगुप्त चले गए अब इसका अंतिम शासक आया जिसका नाम था विष्णुगुप्त क्या नाम था पूछेगा गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था विष्णुगुप्त कौन था बउआ और इस वंश का साफ कर दिया हुंडो जो थे ना हुंड लोग ठीक है इसको विनाश कर दिया हुंड जो था ना हुंड वो क्या कर दिया गुप्त वंश का पूछेगा कि हुंडो का विनाश कौन किया हुंडो ने किस वंश का विनाश कर दिया
गुप्त वंश का, गुप्त वंश का क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से हुंड वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। और हुंड आक्रमण के बाद गुप्त वंश जो छोटे छोटे सामंतों में बट गया। हुंड वंश कथी में बट गया? सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सामंत थे उसका नाम था पुष्यभूति। क्या था नाम उसका? सामंत समझते हो ना, जो किसी के अधीन काम करता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामंत कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में जानकारी लेंगे। अब तो ये गुप्त वंश आपका समाप्त हो गया, याद रहेगा। पूछेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बुआ श्रीगुप्त। उसका अंतिम शासक कौन था? अरे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम राजा कौन था गुप्तों का? और अब यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हुंडों के आक्रमण के बाद कौन सा वंश समाप्त हो गया? गुप्त वंश समाप्त हो गया। लेकिन गुप्त काल जो था एक बहुत अच्छा काल था, ठीक है। गुप्त वंश जो था ना, इसको इसके समय को कौन सा युग कहा गया? गुप्त काल, गुप्त काल कहा गया। और गुप्तों के काल को स्वर्ण, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बाबू? उस समय सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छा था, ठीक है। अभी जो वर्तमान हिंदू का रूप देखा जाता है वो किसकी देन? क्या गुप्त के समय हिंदू उससे पहले नहीं था क्या? था। लेकिन उसके व्यवस्था में जो परिवर्तन लाया वो कौन लाया? इसीलिए उसको हिंदू वंश का क्या कहा जाता है? वर्तमान हिंदू का स्वरूप कहा जाता है। इस समय जो था वह सर्वांगीण विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। चौतरफा पूछता कि बताइए, जब आप आईएएस का तैयारी कीजिएगा तो उस समय डिटेल लिखना पड़ेगा कि आप बताइए कि किस युग को भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त क्यों कहा जाता है? डिटेल वहां पे लिखे, तो वहां पे लिखवाओ कि गुप्त काल को हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ था। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया गुप्त काल में, नहीं, वास्तुकला में अजंता के गुफा बना, अजंता के गुफा। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा बनाया गया। उसके बाद अफगानिस्तान के पहाड़ों को काटकर बामियान में महात्मा बुद्ध का निर्माण, मूर्ति का निर्माण किया गया। कितना बड़का बात, ये सब कौन काल में हुआ? तो ऐसे डिटेल लिखेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे विश्व के छात्र पढ़ने आते थे, नहीं, हॉस्टल सुविधा था। उसके बाद वास्तुकला में अजंता की गुफा का निर्माण करवाया गया, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा, अफगानिस्तान में पूरा पहाड़ को काट कर, जो पहाड़ था बउआ, ये पूरा पहाड़ को काट कवाए में भगवान बुद्ध के मूर्ति बनाने का आसान लगे छ, ओहो आंख कान नाक सब बनावे के है, इसको बनाया। लेकिन बामियान के जो आतंकवादी संगठन था तालिबानी, उसने इसको क्या कर दिया? बंगला हवा के उड़ा दिया। उसका कथी मिला उड़ाने में? अब एक फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या, उसे समझो। अब जब उड़ा दिया तो एक देश है जहाँ रोहिण्या जाति रहती थी, नहीं, वो देश का नाम क्या है आप लोग कहीं बताइएगा हमको। चलिए, दुनिया में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे थी? अफगानिस्तान के बामियान में। और ये कब बना था बुआ? गुप्त काल में। कब बना था? अच्छा, एक बात बताइएगा कि म्यांमार में कहाँ की जनजाति था? रोहिण्या, म्यांमार का। देखिए, म्यांमार में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं जिसको रोहिण्या कहा जाता है, ठीक है। रोहिण्या वहां पे बहुत सारे मुसलमान थे। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का रहने वाला, कहाँ का था? अफगानिस्तान में मूर्ति था गौतम बुद्ध का। जब इसको उड़ा दिया तो एको मुसलमान ना बोला, एको को ना बोला कि गलत है, कहते ना कि गलत हो लो। तो ओकर से के नियम होता है, ओकर से के जब मौलवी तौलवी होता है ओकर एगो नियम होता है, वो ना गलत के गलत ना कहते, समझ लो। पहले धर्म के देखते, हमारा समय है ना हिंदू धर्म एगो है कि गलत है तो हमसे कह रहे ना बाल विवाह गलत हो, मानते कि ना, स्वीकारते कि ना स्वीकारते। हम लोग कहते हैं कि बाल विवाह गलत है, सती प्रथा गलत है, लेकिन वो सब मानने के लिए तैयार, तीन तलाक का मामला वो सब मानने के लिए तैयार था क्या? नहीं, लेकिन ये गलत चीज है। अब जब तुम यहाँ भगवान बुद्ध का, यहाँ तुम्हारा जाति ज्यादा है तो भगवान बुद्ध के मूर्ति तो उड़वा दिया, कोई शब्द ना बोला, और तुम म्यांमार में रह रहे हो, यहाँ पे रोहिण्या जाति रहती थी,
और यहाँ पे इस्लाम की संख्या ज्यादा था, कम था, और बौद्ध धर्म की संख्या क्या था। तुम इतने कूचोगे, तुम कम है तो कूच दोगे, तो हम तो आता कुछ वो जहाँ ज्यादा आती छोड़वा हो आए। तो यहाँ पे क्या किया, वहां के जो था म्यांमार के लोग बौद्धिस्ट सब, उसने इसको एगो कहा बहाना मिलेगी, डायरेक्ट कैसे मारते कोई बवाल ना हो जाते। तो उस सब जैसे हम लोग बनाते हैं ना काली पूजा चाहे कुछ होता है, घेर का खसी बकरी काटते हैं ना, जाके रोड पर ना काट देते हैं। तो ये सब बकरीद में क्या करता था, जैसे अपने बकरीद होता है घर में कटे छी, रोड पर कटे छी, सबके देखा खसी बकरी सब घर में काटता है ना। तो यहाँ पे इस म्यांमार में क्या करता था कि रोड पर लेकर भैंसा उसा टांग दे या काट दे। अब बौद्ध धर्म वाला सबके दुख हो तो कलक है, एक तो रहबे करने वाला गुस्सा यादे है कि हमारा बौद्ध भगवान के तोड़ले तोरा हम ऐसा, लेकिन बहाना मिल दे तम। तो ई क्या किया, कलक है कैसे करो बकरीद का पर्व मनाओ, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन घर में काटना। तो इस्लाम वाला कहता है कि नो, हम न कटबो तो कहाँ कटबो, निकाल लगे सब तलवार मार कट कर खचखचा दल के धोक पूरा के बदला सधावे करे ओकरा, भाग ले दौड़े 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 सब भाग गले, भारतों में आ गले, बांग्लादेश में चल गए, और उन्होंने सब तर भाग ले भाग गले, सबके भगा दे म्यांमार खुद। ठीक है, तो ये अरे तुम जब एक जगह अन्याय करोगे तो तुम जहाँ कमजोर पड़ोगे हम छोड़ेंगे, जवानी में तुम्हारा तंग कर ले ना, तो हमरो बेटा उठा जवान होता तोरा छोड़वा देव, तोरो बुढ़ारी हो तो नोचवा देव। तो सुनो ये हुआ। अब सामाजिक पृष्ठभूमि सोचो, गुप्त काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है, तो तुमको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला शिक्षा का क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ, वास्तुकला में तीन गो चीज किया, एगो किया कहा अजंता की गुफा बनवा दिया, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा बना, और बामियान में महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंची मूर्ति बनवा दिया। उसके बाद सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि में क्या हुआ, महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी दिया गया। तो लगे पढ़ जितना पढ़े के आओ पढ़, तो उस रहते आदमी खूब पढ़ लगे। ठीक है, लेकिन एगो चीज था, छुआ छूत इस समय प्रचलन में था। ठीक है, इसके बाद ऊंच नीच होता था, जातियों में ऊंच नीच, वेश्यावृत्ति बहुत होता था जो गंदी चीज थी। अरे बउआ तने इधर ध्यान दो, वेश्यावृत्ति भी इस समय बढ़ गया, ऊंच नीच हो गया, जाति छुआ छूत बढ़ गया, और वेश्यावृत्ति करने वाली महिला जो बुजुर्ग होते थे उसको कुटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुटनी। सबसे बड़ा पद जो गुप्त काल में था वो राजा का होता था, सबसे बड़ा पद कौन होता था, राजा, और सबसे छोटा इकाई जो होती थी गांव थी, जिसको ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहते थे, और टैक्स वसूलने का जो काम करता था बउआ उस समय, कौन चीज करने का, टैक्स वसूलने का जो काम करता था उसका नाम था, पता है क्या, नहीं है पता, तो पता तो होना चाहिए हम लोग को। ये तो याद है ना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता, क्या कहा जाता था, गणिका या कुटनी कहा जाता था। यहाँ पे समझिएगा, जो टैक्स वसूलने का काम करता था ना उसको कुमार अमात कहते थे, कुमार अमात कहते थे, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितना पावर था। ठीक है, और इस समय जो था ब्राह्मणों का ज्यादा वैल्यू हो गया था, क्यों हो गया था, चूंकि भूमि दान व्यवस्था ज्यादा किया गया, जिसके कारण ब्राह्मणों को उस समय गुप्त काल में ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी, जिसके कारण ब्राह्मण लोगों को जमीन बढ़ गया, और जब जमीन बढ़ गया तो उसको क्या हो गया, उसका वैल्यू बढ़ने लगा। ठीक है, और भारत तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम किसको, गुप्त काल। क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम क्यों कहा जाता है, तो आप लिख दीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, नहीं अस्थापित कला के क्षेत्र में अजंता का ना गुफा हो गया, अजंता का, उसके बाद मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा बनाया गया, बामियान में किसका, महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंची मूर्ति बना, और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, उसको पढ़ने लिखने की अनुमति दी गई, वेश्यावृत्ति बढ़ा, लेकिन एक दो चीजों को छोड़कर हम लोग अच्छे थे उस समय। ठीक है, टैक्स सुनने का काम कौन करता था, कुमार अमात, कुमार अमात। और ध्यान दीजिएगा, और इस समय संस्कृत का विकास बहुत ज्यादा हुआ, संस्कृत का विकास बहुत ज्यादा हुआ कौन काल में, और आप सभी को पता है कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बेहतरीन विकास हुआ है। गप क्यों नार देते हो बीच में, तो एक बात समझिएगा, अंतिम जो महान शासक हुआ, देखिए गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, महान शासक कहेगा तो स्कंदगुप्त, कौन हो जाएगा, ठीक है याद रखिए, गुप्त वंश का अंतिम अंत किसने कर दिया, गुप्त वंश का अंत कौन किया, हुंडों ने, कौन कर दिया, हुंडों ने। ठीक है, गुप्त वंशों का अंत कर दिया हुंडों ने, और गुप्त वंश वाले किसके सामंत थे बउआ,
कुषाण के। केकर सामंत थे? कुषाण के। कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त। किस धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ था गुप्त काल में? हिंदू धर्म का। कौन धर्म का? हिंदू धर्म। वर्तमान हिंदू का धर्म किसका रूप है? गुप्त काल का। किसका है? गुप्त काल का। ठीक है। और अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था उस समय? तो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था में पैसा कौड़ी का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वह क्या हुआ करता था? कृषि और भू राजस्व। भू राजस्व माने समझ जाते हैं, जमीन पर टैक्स लेते रहे। ठीक है। भू राजस्व की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास होता था? कुमार आमत्य के साथ। किसके पास? कुमार आमत्य के पास। कुमार आमत्य के पास। शासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी? शासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी गुप्त काल में? राजा। और सबसे छोटी इकाई कौन होता था? छुआछूत था कि नहीं था? छुआ निम्न जाति उच्च जाति था कि नहीं था? वेश्यावृत्ति था कि नहीं? बाल विवाह था कि नहीं? ठीक है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, और उस समय एक व्यवस्था था देवदासी का। किसका व्यवस्था किया गया था? देवदासी। देवदासी का मतलब होता है कि वह जो है भगवान की दासी। किसकी दासी? भगवान की दासी। लेकिन रियल में ऐसी बातें नहीं थी। रियल बात अब सुनो, देवदासी नाम से लग रहा है देव माने भगवान और दासी माने सेवक। किसकी सेवक? हुआ क्या सुनो, गुप्त काल की बात है। इस समय जो गांव के देखो मठ होता था और मठ में रहता था ब्राह्मण। ठीक है। अब सोचा कि सब तो अपना कन्या जोरे रहता है और हम को ना जोरे रह ना, उसका नियम ब्राह्मण था, नियम बनाए। वो कला के जानते हैं जो गांव में सबसे सुंदर लड़की जन्म लेती है ना, उसको भगवान जो है वो क्या करते हैं अपने सेवा के लिए रख लेते हैं। देखिए पाप रे चलाक दे, सबसे सुंदर जैसे बच्चा कहीं जन्म ले ना, तो सबसे सुंदर जो लड़की हो गांव के जन्म ले रही थी। हाँ, ओकरा बात पता ना चलते, बनावट से ना पता। तो सबसे सुंदर जो लड़की थी ओकरा कहते रहे कि तोरा अब शादी विवाह करना नहीं है। और जब उसका एज हो जाता था तो उसको कहाँ रख दिया जाता था? मंदिर में। मंदिर में बोले घंटा बजा घंटा बजा कौन घंटी बजता था भगवान जाने, साधु ये ना कैसे। और उसके बाद उसको रख देता था और बहुत गलत व्यवस्था था। ठीक है। तो काट देते साधु के ना कटल है, आशा राम गेल थीन, राम रहीम गेल थीन, स्कूल खोले रहते कौन स्कूल लेते से वो घंटे बजवाते रहते स्पेशल रहीम न पढ़ाई वैसी यहाँ पे साधु एक रोज है। लेकिन बाद में पता चले ओ ये तो यहाँ दूसरे नट खेला कर ना, ये तो यहाँ खोल रहे हैं पंडित वास मार कूच दल के धो का बाद में धो। ठीक है। आप सुनो आप ही न दे तो मिल ही न दे तो तोरा पहले वाला राज है आते पहले कोई सुने दे छे। पहले वाला जमाना में निकले दे तो आसाराम बापू में से निकले दे तो लड़की चल जाये ओकरा बच बच करोगे तो मार देते थे। अब प्रेम से रहोगे रस गुण गाओगे तो ठीक है। चलो अब कौन किया गुप्त वंश का अंत कौन कर दिया? हुंड ने। हुंड कहां से आया था पता है? ईरान और अफगानिस्तान से। हुंड जो जाति थी वो कहां से आया था? ईरान और अफगानिस्तान से आया था, समझे। और हुंड में दूगो जो था ना बड़ा खतरनाक था, एक का नाम था मिहिरपुल एगो का नाम था तारामन। हुंड जाति हुंड जो था आक्रमण किया तो मैं दूगो जनजाति था बड़ा खतरनाक था, एक का नाम मिहिरपुल आयो के नाम तारामन। कथी नाम था एवका तारामान आयो के मिहिरकुल है, सॉरी मिहिरकुल एव का नाम था। आ बचिया हुंड में दूगो सबसे कौन था आता है आक्रमण किया था? एक तारामान, तारामान आयो मिहिरकुल। ये दो प्रमुख हुंड आक्रमण थे और मिहिरकुल जो था बौद्ध भगवान के मूर्तियों का बड़ा अति था, विरोधी था, भगवान बुद्ध का विरोधी था। इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। पूछता मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है? तो मिहिरकुल को। किसको कहा जाता है? मिहिरकुल जो था बौद्ध धर्म का क्या करता था? विरोध करता था और मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला था, मूर्ति सबके कथी कर देते रहे। ठीक है। अब पूछता हूँ कि हुंड आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो स्कंद गुप्त के जूनागढ़ स्थित जो है अभिलेख से।
स्कंद गुप्त के जूनागढ़ स्थित अभिलेख से क्या मिलती है, और हुंडो के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? मलेच्छ। पूछेगा कि हुंडो को ही क्या किया जाता, कहा जाता था मलेच्छ। मलेच्छ के नाम से कौन जाना जाता था? हुंड। हुंडलो को क्या कहा जाता था? मलेच्छ कहा जाता था। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो अब बताइए, हमको कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा संस्कृत भाषा का सबसे अधिक विकास कौन काल में हुआ? गुप्त काल में। ठीक है, और गणिता जो थी, गणिता गणित सॉरी गणिता बोल रहे गणित एवं ज्योतिष जो होता है उसका खूबे में विकास हुआ था जिसमें, किसमें? तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग आगे की कहानी नारेंगे, और उसमें सबसे बेहतरीन जो आता है वह आता है आपका बउआ एक गुप्त वंश का सामंत जिसका नाम है पुष्पभूति वंश। कौन सा? पुष्पभूति वंश का कहानी तो और रोमांचक है, मार काट से पूरा भरा हुआ है, समझे? पुष्पभूति वंश जो है ना, पुष्पभूति वंश जो ऐसे मार काट से भरा है। पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि वर्धन वंश के नाम से कौन वंश जाना जाता है? पुष्पभूति वंश। क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसमें जो है, जो पुष्पभूति जो है उसमें प्रभाकर वर्धन नामक एक व्यक्ति है, राजा होता है जो सबसे ज्यादा नामी होता है, इसलिए पुष्पभूति वंश को ही क्या कहा जाता है? प्रभाकर, इसीलिए उसको वर्धन वंश के नाम। पूछेगा कि पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक महान शासक हुआ था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, और उसी के नाम पर इसको क्या कहा गया? वर्धन वंश। ठीक है, तो पूछेगा कि पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या बोलेगा? पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। कौन थे? और सबसे योग्य शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। चलो इसको पढ़ाई देते हैं। सुनिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कौन सा वंश? पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश, पुष्पभूति वंश। कुछ लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता, झूठ मूठ के गप करते हैं। अभी वीडियो है, अभी यूट्यूब पर है ना, तभी आप लोगों को हम इज्जत से पुष्पभूति वंश का राजा न बना के अपनी सर काट देते। पुष्पभूति वंश को कौन वंश कहा जाता है? वर्धन वंश। पुष्पभूति वंश को कौन कहा जाता है? पूछेगा पुष्पभूति वंश जो था किसका सामंत था? किसका सामंत था? सामंत किस वंश का था? गुप्त वंश का। किसका सामंत था? गुप्त वंश का। पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो एक योग्य शासक था उसका नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। इसको सुनिएगा तब मजा आएगा। देखिए अब क्या होता है, प्रभाकर वर्धन को तीन गो बेटी, सॉरी तीन संतान था। सबसे बड़ी जो थी उसका नाम था राजश्री। क्या नाम था उसका? राजश्री। और दूसरा जो था उसका नाम था क्या? नाम था राजवर्धन। क्या नाम था? राजवर्धन। राजवर्धन। और उसके छोटका भाई का नाम क्या था? हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, राजश्री, ठीक है, राजश्री उसकी बेटी थी। राजश्री कौन थी? बेटी थी। और राजवर्धन जो था उसका बेटा था, और हर्षवर्धन जो था उसका बेटा था। करेक्ट है, राजश्री। अब सुनिए बड़ा कहानी इसका ट्विस्ट है इसमें, ध्यान दीजिए। हाँ देखो, इसमें सबसे योग, देखो कोई भी वंश आता तो कोई ना कोई एक योग शासक जरूर आता है। तो इसमें जो सबसे योग था वो हर्षवर्धन था, बड़ा नामी था, बड़ा प्रतापी राजा था, अच्छे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसका राजधानी जो था हरियाणा के पास थानेश्वर में था। राजधानी कहाँ था? हरियाणा के पास थानेश्वर। पूछेगा कि बताइए वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था, तो क्या बोलेगा? हरियाणा के पास थानेश्वर। कहाँ पे था? थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन इस वंश का योग शासक था। कौन था? योग शासक। पूछेगा वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? पुष्पभूति। पुष्पभूति कौन था उसका? पुष्पभूति। कौन था? पुष्पभूति। और उसका सबसे योग्य शासक कौन था? प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के क्या गो बेटा बेटी? तीन गो। सबसे बेटी था राजश्री, और बेटा था राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब देखो, कन्नौज एगो राज है, सॉरी एक जगह है, ठीक है, यूपी का एक जगह है जिसका नाम क्या है, जो कि इतर के लिए भी फेमस है, आप लोग पढ़े हैं। तो कन्नौज एक जगह है, वहां पे राज करता था ग्रह वर्मा। कौन करता था राज? ग्रह वर्मा का शादी राजश्री से,
तो आइए देखिए आगे। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा कौन थे बुआ? कन्नौज के राजा थे ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा का शादी किससे हो गया? राशि से। चलिए शादी तो बड़ी धूमधाम से हो गया। और यहाँ पे शादी होने के बाद सुनिएगा कि इसके नीचे एक जगह है, कन्नौज के नीचे एक जगह था जिसका नाम था मालवा। क्या नाम था उसका? मालवा का और कन्नौज के बीच बराबर युद्ध हुआ करता था, दोनों के बीच दुश्मनी था, ठीक है? मालवा और कन्नौज के बीच युद्ध हुआ करता था और ग्रह वर्मा जो था उसका दुश्मनी चलता था मालवा के शासक के साथ। और उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था, क्या नाम था? देवगुप्त। क्या नाम था? मालवा का शासक था देवगुप्त। देवगुप्त को बहुत दुश्मनी था ग्रह वर्मा से। और उसके बाद शादी होने के बाद देवगुप्त ने किसका काम तमाम कर दिया? भकलोले था, कम से कम मार ही करो तो ब्याह से पहले मारते रह जाए तो नौ तेरा मुस्मात उस्मात ना, इसको मार दिया। शादी से पहले ना मारना चाहिए था दुश्मनी था, शादी के बाद तो लोग ऐसे भी रहम करता है। और यहाँ पे देवगुप्त ने ग्रह वर्मा का मार दिया। और ग्रह वर्मा देवगुप्त जो था राजश्री का भी हत्या करना चाहता था, इसलिए राजश्री कहाँ भाग गया? जंगल में भाग गया। कहाँ पे भाग गया? जंगल में। और यह बात पहुंच गया एकरा भाईवा के राजवर्धन के, ठीक है? अब बहुत दिन तक मिलिए ना रहा है, अब कोई भाई के बहिन न मिलते, एक तक काट दल के ग्रह वर्मा के, ठीक है? अब बहिन भी न मिल रहा, गुस्सा आ गए, ये की कर दल के, ठीक है? ये जाके राजवर्धन देवगुप्त के कथे कदल के खत्म, एकरो काम खत्म, ठीक है? लेकिन देवगुप्त का एगो बड़ा अच्छा दोस्त था, इसका नाम क्या था? शशांक ने धोखा देकर, ठीक है, एकरा ले जाए कथी में एगो फंक्शन में ले जाए, ठीक है? और वहीं पे शशांक ने क्या कर दिया? किसको? राजवर्धन को क्या कर दिया? अब ये बात पहुंचाए करा भाई बदकी, खाली मार काट हो रहा। इसके बाद हम करम से एकर भाई को पता चल, और आई महान शासक था, ऐसा बात तो हमरा जीजा के मार दिया, तो भाई के मार दिया, बहन को भगा दिया। अब ले तू यह बोधि वृक्ष को कटाने वाला था, ठीक है? अब हर्षवर्धन बस मार दिया, और इस तरीके से, ठीक है, हर्षवर्धन ने मार दिया किसको? शशांक को। इनकारी काम क्या हो गया? अब पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। अब कोई है देखी में? कोई है? अब सन्नाटा, अब हर्षवर्धन कन्नौज मालवा शशांक के सब राज के कर हो गया, एकदम चुपचाप सब मर गए, आराम से शासन किया, ठीक है? तुम हो कौन? राजा हो, ये ना सोच रहे हो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा तो काम है तुम्हारे अपने पूरे अथि को बढ़ाना, कौन चीज को? राज्य। और ऊपर से तुम्हारा ही अभी कोई मम्मी को आके काट दे तो तुम क्या चुप्पे बैठोगे ना? तो तुम करोगे क्या? तू गोर लाग लोगे कि बोला गलती हो गया, माफ कर दिली कि तू निकालवाई तलवार पहले खुद सुना दे, तब की तुरा रात में नींद ना आता संसार के प्राणी नहीं हो। आगे बढ़िए, तो अब इसके बाद क्या हुआ? और सुनिएगा, अब सुनिएगा, और हर्षवर्धन ने अपनी, अब तो इतना सब काम कहानी समाप्त हो गया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। और हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया। देखो कोई भी भाई अपनी बहन को जान से प्यारा होता है, और वो बहन भाग जाए तो कैसन मन करते होते, सोच सकते हो? तो बाबू हर्षवर्धन अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, ये कभी भी ना राज सिंहासन पर नहीं बैठा। किसको बैठाया? राजश्री को। आ कहा बहन अब तू ही सत्ता के कथी कर, ठीक है? राजश्री का अब वो केवल हर्षवर्धन जो था उसका संरक्षक बन के रहा। कौन चीज बन के? खाली संरक्षक बन के रहा, और वह केवल हमला उमला होता था युद्ध करता था, लेकिन राजा की उपाधि कभी
नहीं लिया और राजा कौन बन गया? और हर्षवर्धन साहित्य का प्रेमी था बहुत, इसलिए वो तीन पुस्तक की रचना किया, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीन वो किताब लिखा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था, उसका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने दो किताब लिख दिया, कादंबरी और हर्षचरित, ठीक है। और हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है, पूछेगा शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। और लेकिन एक बड़ा गड़बड़ चीज हुआ कि हर्षवर्धन के काल में चोर और डाकुओं का बोलबाला था, इसके साथ मथुरा सूती वस्त्र केंद्र भी था। और इसी के समय में, हर्षवर्धन के समय में, चीन का यात्री हुएनसांग भारत की यात्रा पर आया। और कब आया? 629 ईस्वी में हुएनसांग आया और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र उस समय थे। और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शक मुनि कहा जाता है। और ये जो था हुएनसांग, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? पढ़ाई किया। और उसके बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और हर्षवर्धन को चूंकि कोई संतान नहीं था, जिस कारण वर्धन वंश का क्या हो गया? और कहां से आएगा उसका बेटा बेटी? चूंकि बहन को तो ऊ कर दिया और अति बना दिया, अब बहन को है नहीं कुछ, तो शादी हुआ था, मर गया था उसका पति, और ये भी शादी किया नहीं, तो बच्चा है क्या इसके पास? इसलिए वर्धन वंश का क्या हो गया? और उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु का भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई, सन्नाटा आ गया। और इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। पूछेगा युग परिवर्तन का काल किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। और इस तरीके से गुप्त वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। वर्धन वंश भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे हम लोग नए वंश की शुरुआत करेंगे, तब तक जय हिंद।